हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन कल यानी 3 जुलाई रविवार को होने जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दोबारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उन्हें HRTC की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी और आज इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश सरकार द्वारा HRTC की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को 2 जुलाई को परीक्षा स्थल पहुंचने और 3 जुलाई को वापसी के लिए प्रवेश पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी को फ्री सेवा के लिए अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। ये सुविधा HRTC की हर तरह की ऑर्डिनरी बसों में मिल पाएगी, चाहे वो इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट। बसों के कंडक्टर एडमिट कार्ड पर एंट्री करेंगे ताकि इस सुविधा का गलत फायदा ना उठाया जा सके। परीक्षार्थियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि एडमिट कार्ड के बिना लिखित परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड में दर्शाए गए परीक्षा केंद्र में 3 जुलाई को सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएं। अपने साथ एडमिट कार्ड, कलर फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास उचित पहचान नहीं होगी तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्लिपबोर्ड और काला या नीला पेन साथ लेकर आना होगा। अभ्यर्थी को लेखन के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। अपने साथ फेस मास्क या फेस शील्ड लानी जरूरी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार का बैग, पुस्तक, मैगजीन, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच व हेडफोन लाना वर्जित होगा। अभ्यर्थी की ओर से लाई गई सामग्री की देखरेख के लिए पुलिस विभाग का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। परीक्षा शुरू होने के बाद देरी से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी रोल नंबर या परीक्षा केंद्र की जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नंबर 01892224905 से प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।